लास्ट क्लास में हमने करा था यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल एनालिसिस. उसकी सबसे बड़ी अजम्पशन क्या थी? यूटिलिटी इज मेजरेबल इन यूटिल्स. हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में, वो सबसे बड़ी अजम्पशन थी. और सबसे बड़ी लिमिटेशन भी वही थी, कह रहा है आप यूटिलिटी मेजर कैसे कर सकते हो, आप कैसे बता सकते हो कि अगर आप एक रजिस्टर ले रहे हो तो कितनी सैटिस्फैक्शन मिलेगी, क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो. तो वो लिमिटेशन निकली इवेंचुअली. तो उसको ओवरकम करने के लिए एक और अप्रोच इंट्रोड्यूस करी, उसका नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ऑर्डिनल ऑल्सो नोन एज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और ऑल्सो नोन एज द हिक्सियन एनालिसिस. है क्या ऑर्डिनल? इट कैन नॉट बी मेजर्ड. ऑर्डिनल अप्रोच का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो वो कहते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स, बट यू कैन रैंक योर प्रेफरेंसेस. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया तो आपको कितनी सैटिस्फैक्शन मिली, कह रहे कितनी, मतलब मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि आपने KFC का बर्गर खाया और मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया, किसमें ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिली, ये बता सकते हो? ये बता सकते हैं कौन किसमें मुझे ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिली, बट मैं पूछ रहा हूँ कितनी मिली वो नहीं बता सकते आप. क्यों नहीं बता सकते? क्वांटिफाई नहीं कर सकते. तो कह रहा है कि मैं ये बता सकता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस है. आई कैन रैंक माई प्रेफरेंसेज बट आई कैनॉट क्वांटिफाई माई सैटिस्फैक्शन. आई कैनॉट क्वांटिफाई माई सैटिस्फैक्शन. ध्यान से देखना. ओके, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट disregarded the concept of cardinal measure of utility. They were of the opinion that utility is a psychological phenomena and it is impossible to measure the utility in absolute terms. According to them, a consumer can rank various combinations of goods and services in order of his preference. A consumer can rank his preference. For example, if a consumer consumes two goods, apples and bananas, then he can indicate whether he prefers apple over banana, whether he prefers banana over apple, कि उसको apple पसंद है या banana पसंद है, banana पसंद है या apple पसंद है, whether he is indifferent between apples and bananas. ये बहुत ही important word होने वाला है इस analysis में. Whether he is indifferent between apples and bananas. Indifferent, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप बनाना दे दो एप्पल दे दो, मैं दोनों में खुश हूं. It means both are equally preferable and both of them give him the same level of satisfaction. वो कह रहे हैं कि आप quantify नहीं कर सकते कि बनाना खाऊंगा तो कितनी satisfaction मिलेगी, कह रहे मैं नहीं बता सकता. एप्पल खाऊंगा तो कितनी सैटिस्फैक्शन मिलेगी, कह रहा मैं नहीं बता सकता. कह रहा लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे बनाना पसंद है या एप्पल, एप्पल पसंद है या बनाना. और आई मे बी इनडिफरेंट कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे रोटी दे रहे हो या पराठा दे रहे हो, ठीक है ना. वो अपनी प्रेफरेंसेस है. कह रहे हाँ ये लॉजिकल बात हुई. यू कैन नॉट क्वांटिफाई योर सैटिस्फैक्शन बट यू कैन रैंक योर प्रेफरेंसेस. This approach does not use cardinal values like 1, 2, 3, 4. Rather, it makes use of ordinal numbers like first preference, second, third, fourth, which can be used only for ranking. It means if a consumer likes apple more than banana, then he will give first rank to apple and second rank to banana. Such a method of ranking the preferences is known as ordinal utility approach. Ordinal. Ordinal मतलब something which can be ranked but cannot be measured in exact terms. So a method of ranking the preferences is known as ordinal utility approach. So ordinal utility is the utility expressed in ranks. Cardinal utility is the utility expressed in utils. So before we proceed to determine the consumer's equilibrium through this approach, we need to understand some useful concepts, some terms
which will help us in understanding the consumer's equilibrium under indifference curve approach. Kuch terms hume pehle seekhne padenge, jaise indifference curve ka hi meaning kya hota hai, budget line kya hoti hai, budget set kya hota hai, indifference map kya hota hai, budget constraint kya hota hai, price ratio kya hota hai, MRS kya hota hai, MRE kya hota hai, important terms. वो क्लियर हो गई तो इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करना काफी इजी होगा. तो पहले हम वो टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे.